हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के आठ पार्ट कर लिए होंगे अच्छे से और केस नंबर वन जहां पे नए फर्म की कैपिटल गिवन होती थी उसे आप नई रेशियो में बांटते थे वही टू बैलेंस सीडी फिर आप बैलेंस करोगे डेबिट में बचा टू कैश क्रेडिट में बचा बाई कैश अगर क्वेश्चन कहता है कि करंट अकाउंट में फिगर लिखो तो कैश की जो करंट अकाउंट आई नो इतना आप समझ चुके हो आज ही क्लास में पढ़ेंगे केस नंबर टू तो वीडियो एंड तक देखना कॉपी में नोटिंग जरूर करना अच्छे से समझ आएगा इसकी मेरी गारंटी ठीक है स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर आएंगे एक केस नंबर टू को पहले समझते हैं अच्छे से फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे क्या है केस नंबर टू जरा देखते हैं आपको मैंने पहले ही कहा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस हैं इन केस वन न्यू फॉर्म कैपिटल इज गिवन और केस टू में न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन यहाँ पे नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो केस वन में नए फॉर्म की कैपिटल गिवन है और केस टू में नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है इफ न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन तो सिंपल सा फंडा है कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल बस बात इतनी खत्म खत्म है इस टॉपिक यहां पे फाइंड आउट न्यू फॉर्म कैपिटल फाइंड आउट न्यू फर्म कैपिटल क्या करोगे जी न्यू फर्म कैपिटल फाइंड आउट करके इसके बाद का सारा प्रोसेस सेम एज एक एक बार तुमको नए नए की की मिल गई, तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल जो में में. में करते थे। इतना ही है है, है. और से ज़्यादा बस इतनी सी बात उसको नहीं रेशम बांटा बैलेंसिंग फिगर टू कैश पाई कैश केस टू में नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो उसको निकाल लो फिर जब मिल जाए उसको नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना वही आएगा टू कैश और बाई कैश बैलेंसिंग फिगर आपने लिख देना है सब कुछ वही कुछ भी चेंज नहीं सेम है तो लिखते हैं फॉर्मली स्टेप वन फाइंड आउट न्यू फॉर्म कैपिल्म कैपिटल कैसे निकालोगे अभी अच्छा ये केस टू का फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली मैं बाद में आपको केस टू का सेकंड पार्ट भी कराऊंगा फिलहाल फर्स्ट पार्ट समझ लो हम केस टू के सेकंड पार्ट पे जाते ही नहीं पहले केस टू का फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लेते हैं फिर हम केस टू के सेकंड पार्ट पे जाएंगे सो हियर न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन तो स्टेप वन क्या है क्लास फाइंड आउट न्यू फॉर्म कैपिटल वो कैसे निकालोगे नए फॉर्म कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस भाई नए फॉर्म में कौन कौन होगा बी तो रिटायर हो गया तो नए फॉर्म में कौन कौन होगा ए एंड सी इन दोनों की कैपिटल को ऐड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस को तो ये क्लास आएगी आपके न्यू फॉर्म कैपिटल न्यू फॉर्म कैपिटल मेरी बात समझ गए मैं रिपीट कर रहा हूं दोनों की जो क्लोजिंग कैपिटल है ऐड कर देना दोनों को जोड़ के जो आएगा वही आएगा आपका न्यू फॉर्म कैपिटल मैं रिपीट कर रहा हूं आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से कर देना है सिंपल तरीके से कर देना है टू बैलेंस सी जो आएगा दोनों का सब कुछ करने के बाद एवरी तो जो आएगा उसको आपने वर्किंग नोट में लिखना है ऐसे ही समझ लो यही होगा वर्किंग नोट में तो मैं दिखाऊंगा इसी में वर्किंग नोट कर लेंगे दोनों की सीडी को जोड़ देना है आ गया क्लास आपका न्यू फॉर्म कैपिटल फिर न्यू फॉर्म कैपिटल को क्या करना है स्टेप टू वही जो केस वन में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटेंगे जब आप नई फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे तो वही आएगा टू बैलेंस सीडी फिर स्टेप थ्री बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू जो पढ़ते थे बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड पहले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना फिर क्वेश्चन बनाना एडजस्टेड थ्रू कैश और करेंट अकाउंट तो बैलेंसिंग फिगर कैश और करेंट अकाउंट किसी में भी आ सकता है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर दोनों केसेस में आएगा केस वन केस टू केस टू के सेकेंड पार्ट में भी आएगा यहाँ पे हर जगह जो है बैलेंसिंग फिगर आएगा लेकिन एडमिशन में ऐसा नहीं था एडमिशन में बैलेंसिंग फिगर सिर्फ केस वन में आता था केस टू में नहीं और बिफोर एग्जाम में तो मैं इकट्ठा सब कुछ करा के भेजूंगा सो नो नीड टू वरी ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ नए फॉर्म की कैपिटल गिवन है उसे नई रेशियो में बांटो वही टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश बट अगर नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लो उसको जोड़ लो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को वही आया न्यू फॉर्म कैपिटल अब उसको बांटना है अपने नई रेशियो में वही टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश खत्म यही है आपका केस नंबर टू राइट right? अब इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं तभी बेहतरीन तरीके से समझ आएगा तो फॉर्मेट जैसा मैं हर क्वेश्चन में बनाता हूँ क्लास ऐसे बना लो पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ फॉर्मैट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट एज यूजल जैसा तुम लिखते आते हो कौन कौन पार्टनर है एन एस बी और इनकी जो रेशियो है वो है वन बाई टू वन बाई सिक्स और वन बाई थ्री डिनोमेटर बराबर नहीं है इसको थ्री थ्री से करो इसको टू टू से तो ये आ गया आपका थ्री रेशियो वन रेशियो टू थ्री वन टू एन एस बी एन एस बी एन एस बी थ्री वन टू ठीक है एन एस बी थ्री वन टू थ्री बाई सिक्स वन बाई सिक्स और टू बाई सिक्स ठीक है एन एस बी आगे क्लास कितना थ्री वन टू थ्री बाई सिक्स वन बाई सिक्स और टू बाई सिक्स ठीक है अच्छा अब इसके बाद देर बैलेंस शीट इनकी बैलेंस शीट दे रखी है एक आइटम क्लास है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर से कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होने लायक है ठीक है देन नेक्स्ट है बी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अव डेट एंड बी तो चला गया छोड़ के एक कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं सबसे पहले अगर हम ओवर एंड ऑल देखें तो कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है तो नई रेशियो अगर गिवन नहीं होती बी छोड़ के चला गया तो एन और एस का जो थ्री रेशियो वन है यही न्यू रेशियो है यही गेनिंग रेशियो है बिकॉज नई रेशियो गिवन नहीं है क्योंकि नई रेशियो तो आपको दिया हुआ नहीं है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे और कुछ लैंग्वेज भी गिवन नहीं है कि ये अपना हिस्सा इस इसको इतना दे रहा है ऐसा कुछ भी तो जो बच रहा है क्लास वही न्यू रेशियो है समझ लो और वही क्या है क्लास आपका गेनिंग रेशियो ठीक है वही न्यू और वही गेनिंग रेशियो है फ्री होल्ड प्रेमिस अच्छा गुडविल का पहले हम पॉइंट करते आ रहे हैं तो गुडविल का कर लेते है, ये रह, का हैं ये रहा गुडविल का ट्रीटमेंट अब यहीं पे कर लेते हैं वर्किंग नोट पूरे फॉर्म की जो गुडविल है पूरे फॉर्म की जो गुडविल है वो आपको दे रखी है इक्कीस हजार रुपये है ना पूरे फॉर्म की गडुल कितनी क्लास इक्कीस हजार रुपये दे रखी है और जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर वो कौन है क्लास बी तो बी का जो शेयर आएगा वो आएगा इक्कीस हजार इंटू जो बी का हिस्सा आएगा वो है टू बाई सिक्स ठीक है टू बाई सिक्स टू वन जे टू टू थ्री जे सिक्स थ्री सेवन जे ट्वेंटी वन सेवन थाउजेंड तो एंट्री क्या होगी एन एस बी था ना क्या था यार एन एस बी तो एन एस टू बी बी को मिलेगा सात हज़ार और एन और एस का जो गेनिंग रेशियो आया हुआ है वो थ्री रेशियो वन आया है थ्री बाई फोर वन बाई फोर ठीक है तो आप करो सेवन थाउजेंड का थ्री बाई फोर फाइव टू फाइव ज़ीरो और वन बाई फोर तो बैलेंस आएगा वन सेवन फाइव जीरो ये है क्लास हर क्वेश्चन का काम जो तुम हर एक क्वेश्चन में काम करते हो ये वो काम है नए फॉर्म की पूरे फॉर्म की उल्टे रखिए जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा निकालो एंट्री पास कर दो रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो रिमेनिंग है एन एस छोड़ के जा रहा है बी तो एन एस टू बी और गेनिंग रेशियो सिंपल है जो छोड़ के जा रहा है उसको हटा लो थ्री रेशियो वन ये आपका गेनिंग रेशियो हो गया अब इसकी पोस्टिंग करो एन एस में टू बी एन एस में टू बी तो एन और एस में लिखो टू बी एन और एस में लिखो टू बीज कैपिटल अकाउंट एन और एस में टू बी बी में बाई एन बाई एस बी में ठीक है कितना कितना था फाइव टू फाइव ज़ीरो वन सेवन फाइव ज़ीरो फाइव टू फाइव ज़ीरो फाइव टू फाइव ज़ीरो वन सेवन फाइव जीरो एन एस में टू बी बी में बाई एन बाई एस फाइव टू फाइव जीरो वन सेवन फाइव जीरो हो गया सेवन थाउजेंड पाँच छः सात ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है तो मुझे बता दो ठीक है अच्छा अब इसके बाद फ्री होल्ड प्रमिसेज एंड स्टॉक वर एप्रीशिएट बाई ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन गुल्ड का पॉइंट तो हमने कर ही लिया ओके अच्छा एक चीज़ और ये पॉइंट हटा दो ई पॉइंट है इस ई e पॉइंट की वजह से मुझे पता चला कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर टू है ई e पॉइंट को पढ़ के कैसे पढ़ के पता चला ध्यान से देखो ई e पॉइंट को पढ़ के मुझे पता चला द पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी तो जो कंटिन्यूंग पार्टनर है ना वो कहते हैं जो भी हम दोनों की कैपिटल है हम उसको जोड़ेंगे और वही नई रेशियो में बांट देंगे दोनों पार्टनर अपने कैपिटल को जोड़ रहे हैं और उसी को नई रेशियो में बांट देंगे तो वही तो कर रहे हैं हम वही तो नई फॉर्म की कैपिटल होती है एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में नहीं आएगा बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जाएगा करेंट अकाउंट के अंदर ठीक है कर देते हैं हम लोग रीवैल्यूशन अकाउंट पार्टनर्साना है फ्री होल्ड प्रेमिस ऑफ स्टॉक अप्रिशिएटेड तो बाई फ्री होल्ड प्रेमिस रीवैल्यूशन में फ्री होल्ड प्रेमिस फ्री होल्ड प्रेमेसिस टक फ्री होल्ड प्रेमेस एंड स्टॉक तो फ्री होल्ड प्रेमेस एंड स्टॉक फ्री होल्ड प्रेमेस बीस परसेंट चालीस हजार का बीस परसेंट कितना आएगा एट थाउजेंड चालीस हजार का दस परसेंट चार हजार तो बीस परसेंट आठ हजार स्टॉक पंद्रह परसेंट ट्वेंटी टू थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट थर्टी थ्री हंड्रेड कितना आ रहा है थर्टी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू थाउजेंड का जो फिफ्टीन परसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है क्लास थर्टी थ्री हंड्रेड आई क्लास मेरी बात समझ तो ये हो गया फ्री होल्ड प्रेमिस और स्टॉक पहला पॉइंट हमने कर लिया नेक्स्ट है मशीन फर्नीचर घट गया दस और सात परसेंट से तो मशीन तीस हजार का है दस परसेंट से घट गया है मशीन तीस हजार का है दस परसेंट से है ना मशीन और फर्नीचर दस और सात ठीक है टू मशीनरी टू फर्नीचर फर्नीचर सात परसेंट से घट गया है तो फर्नीचर कितना है क्लास यहाँ पे फर्नीचर सात बारह हजार का सात परसेंट आठ सौ चालीस आठ सौ चालीस ये पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए आप एंड स्टेज पे हो अभी चैप्टर के कोई दिक्कत नहीं सब सिंपल सिंपल पॉइंट है यहां तक आपने नंबर मिलेंगे हर पॉइंट के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 से इंक्रीज हो गया सीधा इंक्रीज हो गया 1500 से टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ठीक है ये कॉमा क्लास मिस्टेक लगा ये 1500 ही होगा ठीक है ये 1500 है 1500 तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 से बढ़ गया मतलब पहले था 1000 1500 से और बढ़ गया तो मतलब अब टोटल 2500 है नई बैलेंस शीट में बट यार हमें तो रीवैल्यूएशन ही बनाना है तो so, रीवैल्यूएशन में आपने 1500 का डायरेक्ट नुकसान दिखा दिया रिवल डेबिट ये तीन पॉइंट हो गए ये पॉइंट भी खत्म बस 6 नंबर पक्के फिनिश टोटलिंग करो अभी तक मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसा कुछ भी नहीं किया मैं रिपीट कर रहा हूँ मैंने अभी तक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसा कुछ भी नहीं किया है 8 9 10 11 11300 11300 तो 11300 3000 840 माइनस पंद्रह सौ फाइव नाइन सिक्स ज़ीरो किस नाम से आएगा टू रिवेल्यूशन गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एन एस बी तो फाइव नाइन सिक्स जीरो का आ रहा है बैलेंस छः से डिवाइड दे, दे देंगे तो ये पॉइंट में आ रहा है नाइन नाइन थ्री इंटू थ्री टू नाइन एट ज़ीरो नाइन नाइन थ्री प्लस टू नाइन एट जीरो माइनस फाइव नाइन सिक्स जीरो देखो पॉइंट में आता है तो घबराया मत करो क्लास ऐसा नहीं है कि पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता एग्जामिनेशन में कई बार क्लास आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाता है तो घबराने की टेंशन लेने की उसमें कोई बात नहीं आ जाता है पॉइंट में जो बिल्कुल जेनविन है तो फ्री होल्ड प्रेमिस आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह हज़ार तीन सौ उसमें से माइनस कर दिया आपने ग्यारह हज़ार तीन सौ में से थ्री थाउजेंड माइनस एट ये एट फोर्टी ने काम बिगाड़ दिया अदरवाइज तो मेरे हिसाब से ठीक रहता ठीक है अब इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें गेन बाई रीवैल्यूएशन गेन तो कितना कितना आ रहा है टू तो नाइन एट जीरो टू तो नाइन एट जीरो नाइन नाइन्टी थ्री वन नाइन एट सेवन ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका रीवैल्यूएशन गेन बात समझ आई तो रीवैल्यूशन गेन हम लोगों ने कर लिया हर एक चीज हो गई यहां तक सारे पॉइंट्स हो गए अब देखो कुछ बांटने के लिए है कि नहीं तो मैंने आपसे एक ही चीज रिजर्व बाई कैपल तीस 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 अट्ठाईस बारह हजार तीस तीस अट्ठाईस थर्टी थर्टी तीस तीस अट्ठाईस बाई बी डी बाई जनरल रिजर्व ट्वेल्व का है छः से डिवाइड दोगे छः से डिवाइड दोगे तो दो हजार आएगा दो तीन छू फोर तो ये ट्वेल्व थाउजेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टू फोर सिक्स यानी कि थ्री वन टू ओके तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट अब हम करेंगे काम लास्ट में टोटलिंग का तो ध्यान से देखो टोटलिंग कैसे की जाती है ठीक है देखना अभी टोटलिंग कैसे की जाती है ठीक है सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है ना उसका हिसाब किताब कर दो भैया जो भी छोड़ के जा रहा है क्वेश्चन कह रहा था कि जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर कौन है इसमें बी जा रहा है छोड़ के पर उसे कुछ भी कैश देने की बात नहीं की जा रही तो सारा लोन में डालो पहले तो बी की टोटलिंग करो ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस वन नाइन एट सेवन ठीक है प्लस फोर थाउजेंड फाइव टू फाइव ज़ीरो वन सेवन फाइव ज़ीरो गुडविल का यह फोर ज़ीरो नाइन एट सेवन फोर ज़ीरो नाइन एट सेवन ठीक है तो फोर ज़ीरो नाइन एट सेवन जो भी बैलेंस आ रहा है उसको उठाकर डाल दो टू बीज लोन अकाउंट तो बी जो छोड़ के जा रहा है उसका आपने लोन अकाउंट में डाल दिया अब आपको क्या करना है ध्यान सुनो टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट है यहाँ से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काम चालू है इन दोनों का सीडी निकालो लेकिन निकाल के यहां मत लिखना उसको लिखना वर्किंग नोट में क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो नए फॉर्म की अप्लाई फिर उसे नई रेशम बांटेंगे उसको यहां लिखेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं इसकी सीडी निकाल लू तीस हजार टू नाइन एट जीरो सिक्स थाउजेंड फाइव थ्री थ्री सेवन थ्री जीरो तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन वो आया है थ्री थ्री सेवन थ्री जीरो ये क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ मत लिखना बस यहाँ मत लिखना उसको वर्किंग नोट में लिखना दूसरे का देखो थर्टी थाउजेंड नाइन नाइन थ्री टू थाउजेंड थ्री टू नाइन नाइन थ्री घटाना है सत्रह सौ पचास तो ये आ गया क्लास आपका थ्री वन टू फोर थ्री ठीक है तो ये था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन एस और अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो यार यही आ गई आपकी न्यू फर्म कैपिटल मैं रिपीट कर रहा हूँ आपने केस टू में करना क्या है केस टू में पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करो बस जो दोनों पार्टनर जो दो रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको ही उठा के लिख दो टू बैलेंस सी के अंदर ये आ गया टू बैलेंस सी वही जो मतलब की वर्किंग नोट में लिख दो वहां ना लिख के अब उनको जोड़ो नई फॉर्म कैपिटल अब नई रेशियो में बांटनी है और नई रेशियो आपको पता है क्वेश्चन में कितनी है एन एन और और एस एस का तो इसको इसको से डिवाइड दो करो हो गया क्लास नए फॉर्म कैपिटल को किया कुछ नहीं तेरे पास पचास रुपए हैं मेरे पास सौ रुपए दोनों को जोड़ दे डेढ़ सौ हो गया पिचत्तर तू ले ले पिचत्तर मैं ले लूँ यही किया बस आपने दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ा एक नई रेशम बांट दिया फोर एट सेवन थ्री जीरो यहाँ लिखो फोर एट सेवन थ्री जीरो वकी नोट टू से ये मिला है हमें फ़ोर एट सेवन थ्री जीरो वन सिक्स टू फोर थ्री वन सिक्स टू फोर थ्री तो ये ऐसे लिख दिया आपने अब आप टोटल करोगे इधर बच्चे का बैलेंसिंग फिगर टू कैश इधर बच्चे का बैलेंसिंग फिगर बाई कैश लेकिन कैश नहीं इस क्वेश्चन में कह रहा था बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा फिर ना करंट अकाउंट अब बैलेंस करो एन की कौन सी साइड बड़ी लग रही है तो मुझे तो एन की डेबिट साइड बड़ी लग रही है फोर एट सेवन थ्री ज़ीरो आ गया फाइव थ्री नाइन एट ज़ीरो फाइव थ्री नाइन एट ज़ीरो माइनस करेंगे थर्टी थाउजेंड टू नाइन एट जीरो माइनस सिक्स थाउजेंड पंद्रह हजार का ये बैलेंस आ गया तो ये जो आए क्लास आएगा किस नाम से लिख दोगे बाई करेंट अकाउंट एस की कौन सी साइड बड़ी है एक्स की वो वाली साइड बड़ी है ठीक किस है किसके करंट अकाउंट है एन भाई एन करेंट अकाउंट ठीक है भाई एन करंट अकाउंट एनस करंट अकाउंट इसकी सेट बड़ी है थ्री टू नाइन नाइन थ्री थ्री टू नाइन नाइन थ्री माइनस वन सिक्स टू फोर थ्री सत्रह पचास ये भी पंद्रह हजार है इंसिडेंस ये बराबर आ गया ऐसा हमेशा बराबर नहीं आता है टू एस करेंट अकाउंट ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके केस नंबर टू का अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कंप्लीट क्वेश्चन नॉर्मल है दोनों का क्लोजिंग बैलेंस निकालो यहां ना लिख के यहां लिखो वर्किंग नोट में दोनों को जोड़ दो नहीं फर्म कैप ला गई नई रेशम बांटो इसको उठा के यहां लिख दो बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश या टू करेंट या बाई करेंट एज द केस में भी जैसा क्वेश्चन बोलेगा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बनाना गलती नॉर्मल जगह होगी एडजस्टमेंट में गलती नहीं होगी हाँ अगर आपको रिवोलेशन अकाउंट ही बना नहीं आता गुडल की एंट्री नहीं आती आपको गुडल को पोस्टिंग करना नहीं आ रहा बांटने वाला आइटम अच्छे से याद नहीं है तो दिक्कत है अगर तुम्हें सात के सात आइटम बांटने वाले पता है रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर तुमको पता है गुडल की एंट्री की पोस्टिंग तुमको पता है ना आराम से हो जाएगा कुछ नहीं बता कुछ नहीं बचा इसमें आराम से हो जाएगा केस वन पूरे फॉर्म कैपिटल गिवन है नई रेशो में बांटो वही टू बैलेंस डी बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश या करंट अकाउंट केस टू ये गिवन नहीं है तो दोनों का सी निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो वर्किंग नोट में वही नई फॉर्म कैपिटल है बांटो नई रेशोम में टू बैलेंस डी बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश या करंट अकाउंट इतना ही है ओके वीडियो पॉज करके कर लेना नोट अगर कुछ बचा हो तो इसके साथ ये केस खत्म एंड फाइनली आज हमने खत्म किया अगली क्लास मतलब पार्ट नंबर टेन हम कह सकते हैं आखिरी क्लास हो गई रिटायरमेंट की लोन अकाउंट भी पढ़ लिया हमने हर टाइप क्वेश्चन पढ़ लिया हमने क्लास जनल एंट्री भी पढ़ ली एवरीथिंग इज डन बस वो पार्ट करके रिटायरमेंट खत्म कर देंगे आई नो क्लास इस स्पीड से चल रहे हो आप कि मैं सब कुछ खत्म नहीं कर रहा आप भी मेरे साथ खत्म कर रहे हो सेप्टेम्बर तक एड डेड सब कुछ खत्म कर देंगे फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सी प्लस ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करेंगे फिर जनवरी फरवरी मार्च में कंप्लीट प्रिपरेशन बोर्ड की और फिर उसके बाद फिर से सी की और आपको अच्छे कॉलेज तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है हमारे कई सारे बच्चे क्लास मोर देन फिफ्टी बच्चे अभी तक एस में जा चुके हैं लास्ट टू ईयर्स में उम्मीद है क्लास इस साल और ज़्यादा बच्चे एस तक पहुँचेंगे बस आपका प्यार सपोर्ट यूं ही बना रहा है ठीक है चलो बाय